अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हजारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। इधर आए गुल भाई, इधर आए गुल भाई, आपके लिए शक्कर कोला आ गया। अच्छा, रोटियाँ 8, हालांकि हम बंदे 2 हैं। अच्छा, रसेरी को फिर जन्नत इधर लेके आए। और ये देखें तो निकाले जरा। आज मैंने कहा गुल भाई, रोजा काफी हैवी गुल भाई को लगा हुआ है, मेरा अपना भी हैवी लगा हुआ है, ये देखें। लेकिन गुल भाई का ज्यादा हैवी रोजा होता है, गुल भाई को गर्मी भी ज्यादा लगती है, गुल भाई को रोजा भी बहुत ज्यादा साफ लगता है। चलें जी, अब अंदर चलते हैं। पेशावर से इधर तक आओ ना, फिर रोजे का पता चलता है। ढसका से आओ तो फिर पता ही नहीं चलता जी रोजे का। चलें जी, अब अंदर चलते हैं। कितना शोर कर रहे हैं, हालांकि अभी इफ्तारी का टाइम नहीं है, इफ्तारी में भी 1.5 घंटा रहता है, लेकिन फिर भी। और ये कैसे बाहर आए हैं, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चले इधर। मुर्गी देखो, वही ऑरेंज वाला अभी भी उसके साथ है, एक येलो वाला वो बैठा हुआ है, और 3 ये बैठे हुए। मेरे ख्याल से इन सारों को पिंजरों में बंद कर देते हैं। रैबिट मेल बड़ी बात है, आज बाहर निकला हुआ। टर्की की आवाज चेंज हुई है, क्या चक्कर है, पानी फिर गिरा दिया। और वो देखें ऑरेंज वाले को, उसके ऊपर चढ़ा हुआ। सही है भाई, चल अंदर चलो। ये क्योंकि उड़ जाते हैं तो फिर भागना बड़ा मुश्किल है इनके पीछे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ के लोग भी इस तरह के हैं कि वो यही कहेंगे, ये तो हमारे ही थे भाई, तुम्हारे कहाँ से आए। मुर्गी के पास नहीं जाना भाई, मार पड़ेगी। अच्छा जी, मुर्गी को भी और चूजों को भी एक ही जगह पे बंद कर देते हैं। चलें जी, मुर्गी को भी और चूजों को भी इधर ही बंद कर दिया। दूसरे वाले चूजे आएंगे और नीचे, ये वाले चूजे ऊपर, और मुर्गी सुबह का टाइम गुल भाई इनको खोल लेंगे। मारना, चलें जी। दूसरे चूजे बाहर ही हैं, और छोटा भी हमारा बाहर आ गया रैपिड। अभी देखें सारे छुप करके बैठे हुए, अभी फिर पाको खाली, थोड़ा सा करीब जाऊंगा। रानी को देखें, लियो को देखें जी, लियो गुल भाई बिजी हैं जी। हाँ जी गुल भाई, क्या हाल हवाल है गुल भाई, कैसा दाना है, कुछ गुजारा करेगा? हाँ, कुछ कच्चे है लेकिन ज्यादातर पक्का है। बस जहाँ से कच्चा है वो थोड़ा थोड़ा काट के ना खरगोशों को डाल देंगे, और जो पक्का है वो खुद खाएंगे। ठीक है ना, मजा आएगा जी इंशाल्लाह। यार धोना बहुत महंगा होगा भाई, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाटर मेलन 70 रुपए किलो होगा भाई जान। इंडिया में बताएं इसका क्या रेट चल रहा है। इफ्तारी में तो अभी टाइम है भैया, वैसे ही अंधेरा बन गया, बादल बने हुए, लेकिन इफ्तारी में अच्छा खासा टाइम है। गुल भाई आओ ना माड़ा, बाहर आओ ना। और मैंने कहा गुल भाई इफ्तारी से पहले ही वीडियो बना लेते हैं अपने डॉग्स की, क्योंकि गुल भाई की आज तबीयत बोझल है काफ़ी। तो फिर इंशाल्लाह कल सुबह यही वीडियो अपलोड करेंगे। चूजा शोर कर रहा है बड़ा सख्त किस्म का। गुल भाई मैक्स के इंजेक्शन खत्म कर दिए हैं जी, खिला अभी क्या कहते हैं, आज लगाएं या रहने दें? आज खोल देना, पता चल जाएगा। अभी खोल के दिखा देते हैं भाई जी।
ये देखो इसका पाँव काफी ज्यादा, काफी ज्यादा नहीं बल्कि 99% सही हो गया। उस दिन पता है इसने क्या किया गल भाई? ये उस दिन ये अपने जख्म को खा रहा था। यही मुसीबत है ना। ये भी, ये आपको पता है, ये भी ठीक होने पे जा रहा है ना, तो ये भी हल्का हल्का है, वो जबरदस्त खारिश कर रहा है। ये वही इसी में होता है ना, जो भी जख्म सही होता है ना वो हल्का हल्का खारिश करता है, ये इसी वजह से खा रहा होता है। अब ये देखें। हाँ अच्छा, जब से इसका इलाज किया ना गुलबी, ये तब से तबेदार होना शुरू हो गया। उससे पहले इस तरह बुलाने भी नहीं आता था। सही बात है। बस 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 तुम कर लो। यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को एक और गुड न्यूज दे दूं। मैक्स आप फंसे हुए हैं इस पोजीशन में। मैक्स के साथ एक और मैक्स आ रहा है जी, वो भी रॉटवाइलर है जो तल्ला गोरी के पास था। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी इस सेटअप पे आने वाला है। अच्छा जी, उसके ऑनर इस टाइम है मिर्जा बदर भाई। उन्होंने कमेंट भी किया था एक पोस्ट पे, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो वाला मैक्स भी लेके आना है। इस मैक्स के साथ जितना हमने ये इसकी जिंदगी का सफर गुजारा है, काफी मुश्किल से जाके इसको मैंने सेट किया है। उससे पहले भी दोस्त मेरी अगर वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो उनको पता होगा ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मेल था। अभी जाके मेरे साथ और गुल भाई के साथ अभी जाके ये प्रॉपर सेट हुआ है कि हाथ लगाने देता है। उससे पहले डरा धमका के इसकी रस्सी हसी पकड़ ली भाई, बाहर ले गए, कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो है प्रॉपर अपनी अटैचमेंट ये हमारे साथ शो करवाता है। तो वो दूसरा मैक्स भी आएगा, उसका एक मसला है वो मुर्गियों और बकरियों में अटैक करता है। उसकी ट्रेनिंग भी करेंगे, उसकी ये आदत छोड़ेंगे और आदत छुड़वा के आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। इफ्तारी के बाद का मंजर है जी, ये पाको को खोला हुआ। अभी मैंने कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है, आया हुआ था मेरे पास। एक तरफ पाको को खोला हुआ, दूसरी तरफ लियो को खोला हुआ है जी। उसके बाद फिर बच्चा पार्टी का नंबर आएगा, यानी कि शोला और शीला का। वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैक्स लियो आइए। आको पीछे पीछे हो जाओ, चलो उधर पीछे 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 चलो। चलें जी, अब लियो और पाको खेलेंगे। लियो पाको से कितनी छोटी लगती है ये। गुल भाई इसको चुप कराए, रॉकी को। गुल भाई पाको को बंद करो, शोला और शीला को खोले। चलें जी, अब शैतानों की बारी है जी, वो खोलेंगे शरारती बच्चे। गुल भाई इस तरह स्लो मोशन में महक कल तक पहुंच जाएंगे। इधर आओ, ये देख रही है बड़े गौर से। ओए, इनकी टकरे हैं भाई, बहुत जालिम टकरे मारते हैं ये। लियो पहले देखती है इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, फिर जान के बीच में घुसती है। शीला का पैर पकड़ने लगी थी। चलो पीछे चलो पीछे चलो। ओए
लियो बस चलो जी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखें। वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।